अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैरेमल ट्री डिचेस केक की रेसिपी, जो वाकई बहुत ज़्यादा मज़े का है। और इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। सबसे पहले जो सी हमें चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। इसके लिए पहले हमें चाहिए 1/4 कप यानी 3/4 कप मैदे का, 2 अंडे, और साथ में ऑयल चाहिए हमें 1/4 कप, शुगर चाहिए हमें 1/2 कप, और बेकिंग पाउडर चाहिए 1/2 टीस्पून। ये सारी इसके अंदर चीज़ें जो यूज़ होनी हैं। और सबसे पहले जो एग वाइट और एग जॉक है, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद एग वाइट जो है उसको अच्छे से बीट करेंगे। जब वो बीट हो जाएगी, क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी, तो उसके अंदर जो एग जॉक है वो ऐड करके दोबारा से बीट करेंगे इन दोनों चीज़ों को। दोनों अंडे अच्छे से बीट हो चुके हैं, और अब मैं इसको किसी बड़े बाउल में शिफ्ट कर दूँगी इस मिक्सचर को। और इसके अंदर अब हम डालेंगे मैदा 3/4 कप। अब इसे मिक्स करेंगे। ये ना स्पून से मिक्स करना मुश्किल है, तो इसके अंदर आप जो विस्क है ना उससे इसे कर लें, या फिर बीटर अगर आपके पास है तो उससे इसे बीट करने आसानी होगी। इसके अंदर ऑयल ऐड करना है 1/4 कप। ये ऑयल भी चला गया इसमें, और शुगर है यहाँ पे 1/2 कप, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। पिसी हुई चीनी जो है वो ऐड करनी है। बेकिंग पाउडर इसके अंदर ऐड करना है 1/2 टीस्पून। बेकिंग सोडा नहीं ऐड करना। अगर इसके अंदर आप चाहें तो वनीला एसेंस है, तो उसके 1 से 2 ड्रॉप डालने, मेरे पास नहीं था तो मैं रोज़ वाटर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून इसमें। उसके बाद केक पैन लेंगे, उसके अंदर सारे जो बैटर है उसको ऐड करेंगे। और ये जो केक पैन है ये 20 सेंटीमीटर्स का है शायद। और अब इसको 5 से 6 बार टैप टैप कर लेंगे ताकि जो इसके अंदर बबल्स हैं वो निकल जाएं। अच्छा, इसको मैं ओवन के बगैर बनाऊंगी, आप लोगों ने इसके लिए कुकर लेना है। उसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट करना है, और उसके बाद इसे बेक करना है 30 से 40 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने इवेपोरेटेड मिल्क बनाना है। वैसे तो इस रेसिपी के अंदर क्रीम भी यूज़ होती है, लेकिन मैं क्रीम यूज़ नहीं कर रही। इसके अंदर मैं मिल्क लूँगी 1.5 कप, उसको बॉयल करना है। उसके बाद इसके अंदर 3 टेबल स्पून शुगर के ऐड कर देने हैं, और उसको लो फ्लेम पर इसको पकाया है, और इसको इतना रिड्यूस किया था कि ये तकरीबन ना 1/4 कप रह गया था। अच्छा, अब कैरेमल जो है ये मैंने बगैर क्रीम के मिल्क से बनाया है, और इसकी जो रेसिपी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। अपलोड मैं पहले ही कर चुकी हूँ, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। बहुत ईजी है बनाना। और अच्छा, अब केक बेक करने में मुझे तकरीबन 40 से 42 मिनट्स लग गए थे। एक बार इसके अंदर नाइफ डाल कर देख लेते हैं, साफ निकली है, मतलब केक अच्छे से बेक हो चुका है। और यहाँ पर मैंने क्रीम ली थी 1/2 कप, इसको अच्छे से बीट करना है। इसके अंदर 1/2 कप ही क्रीम बहुत है, मेरे पास बीटर नहीं है, तो जो हैंड मिक्सर है ना मैं इसी के साथ ही इसे बीट करूँगी। ये क्रीम इतनी किससे बीट हो चुकी है, और इतनी इसके लिए काफ़ी है। पर केक काफ़ी सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा बनाएं, देखें पीछे से बिल्कुल जला भी नहीं कहीं से, और बिल्कुल जिस तरह ओवन का होता है ना वैसा ही है ये केक। और ये देखें सॉफ्ट है कितना। यहाँ पर फॉक लेके इसके अंदर ना अच्छी तरह से सारे केक के अंदर सुराख कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे इवेपोरेटेड मिल्क है, ये इसके ऊपर डाल देना है। अच्छे से इसके अंदर ना अपने फॉक जो है उसे कर देने हैं इसके अंदर सुराख, ताकि जो मिल्क है वो अब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। और उसके बाद इसके ऊपर अब डालना शुरू करूँगी। मुझे कप से डालने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए फिर मैंने स्पून लिया और उससे इसके ऊपर डालती रही हूँ। तकरीबन 1/4 कप का 1/4 कप जो है ना वो मैंने इसके अंदर पूरा ही डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो व्हिप्ड क्रीम पड़ी हुई थी वो इसके ऊपर इस तरह से लगा देनी है, इस तरह से अनइवन सी करके आपने बस लगा देनी है, जिस तरह की भी लग रही हो। उसके बाद यहाँ पर जो कैरेमल था प्रिपेयर किया वो इसके ऊपर इस तरह से ना तकरीबन 4 टेबल स्पून बन रहे हैं, 4 से 5 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो इसके ऊपर सारे इस तरह से ऊपर रख देना है। उसके बाद आपने केक को जो है ना फ्रिज में रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। इसके ऊपर मैंने जो कैंडी क्रश कैंडी बिस्किट है ना उसे क्रश करके इसके ऊपर डाल दिया था ग्राइंड करके, और साइड पर इसके फ्लावर्स पड़े हुए थे वो रख दिए। और केक जो है हमारा बहुत ही मज़े का रेडी हो चुका है। इसको बनाना भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसानी से बन जाता है। बस इसके स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा, पर बनाना बहुत आसान है। और ये सॉफ्ट बहुत था और मॉइस्ट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इसके अंदर हमने वो मिल्क का जो मिक्सचर था वो ऐड किया था, उसकी वजह से काफ़ी सॉफ्ट था ये। इसी के साथ आज की वीडियो जो है वो एंड होती है। उम्मीद है आज का केक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें वीडियो को, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।